इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 मुट्ठी काजू का टुकड़ा लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून सौंफ लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया का सीड है, 1 टी स्पून काली मिर्च, 3 लौंग, 3 इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 तेज़पत्ता है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रेडी किया है, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च लिया हुआ है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है और होममेड 250 ग्राम पनीर है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डालेंगे देसी घी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम डालेंगे सभी मसालों को। अदरक डाल देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक भूनने के बाद डालेंगे हरी मिर्च, कटा हुआ टमाटर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे आप, 1/4 टीस्पून हींग। इसे ढक देंगे, ढक के इसे कुक कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद। अब ये रेडी हो चुका है, तो चलिए हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। अच्छी तरीके से थोड़े से पानी के साथ खंगाल के इसे डाल देंगे मिक्सी जार में अंदर और इसे पीस कर रेडी कर लेंगे। पीसने के बाद हम इसे छन्नी में डालकर छान लेंगे। मसाला को छान कर रेडी कर लिया है। दोबारा से इसी पैन के अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून देसी घी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 2-3 सेकंड भूनने के बाद डालेंगे पिसा हुआ मसाला, हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट भूनने के बाद डाल देंगे जरूरत के हिसाब से पानी। ग्रेवी में अच्छी सी उबाल आने के बाद डाल देंगे पनीर। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट कुक करने के बाद डाल देंगे धनिया का पत्ता और इसे सर्व कर देंगे। मैंने सब्जी को सर्व कर दिया है, प्लीज़ इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।